प्यारे दोस्तों को हम बता दें आगे आचार्य चाणक्य जी ने ऐसा बताया कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसके अंदर दया भाव प्रकट हो ही नहीं सकता। उनके हिसाब से ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कभी दया भाव आ ही नहीं सकता है। उन्होंने क्या बताया है हम आपको बता रहे हैं भाई साहब। आचार्य चाणक्य जी ने बताया कि जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। गृहस्थी में लगा है ज्ञान नहीं हो सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती है भाई साहब। जो आदमी मांस खाता है उसके अंदर दया नहीं आ सकती है। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता। लोभ जिसके अंदर है वो सच बात कभी नहीं बोल सकता। और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं आ सकती है। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई है कि भाई साहब आचार्य जी ने बोला है कि ग्रस्त व्यक्ति ज्ञान हासिल नहीं कर सकता है। मांस खाने वाला हृदय में दया नहीं हो सकती है। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता। और एक शिकारी में कभी शुद्धता कभी नहीं आ सकती है। ठीक है, ओके ओके चाणक्य जी, थैंक यू।